नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज मैं गोभी की नई रेसिपी बनाऊंगी, गोभी के मैं पकौड़े बनाऊंगी। आप देखिए, मैंने ये अच्छी तरह वॉश कर लिया है, इस तरह मैंने बड़े बड़े टुकड़े में काट लिया है। तो इसको मैं इससे कद्दूकस करूँगी, मैं इससे करूँगी, इस साइज से। ये तो सभी घर में होते हैं दोस्तों। तो इसको मैं इसको मैंने अच्छी तरह देख के साफ कर लिया है। तो इसको इसी तरह हम सारे गोभी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये मैंने गोभी अच्छी तरह कर लिया है। मैं एक बाउल लेती हूँ, इसमें मैं गोभी पलटूंगी। सारा मैं इसमें रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने बाउल में से भगोने में पलट लिया। हमारा बाउल छोटा पड़ गया था। अब मैं एक बारीक कटा हुआ प्याज, बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया मैंने एक प्याज, इसमें डाल देती हूँ इसको। और एक मैंने बारीक धनिया काटा हुआ है कटोरी में, इसको भी डाल देती हूँ। और दो से तीन हरी मिर्च काटा हुआ है मैंने, इसको भी इसी में डाल देती हूँ। मैं डालूंगी थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर भी है इसमें। चिली मिर्च मैं नहीं डाल रही हूँ, मेरे पास पिसा हुआ मिर्च पाउडर, वो डाल रही हूँ। और मैं ली हूँ एक कटोरी बेसन, इसको डालती हूँ इसमें। सारा बेसन मैं नहीं डालूंगी। और इसमें मैं दो से तीन चम्मच सूजी डालती हूँ। इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं आप। और मैं ली हूँ ये सौंफ, धनिया और जीरा। अब इसको मैं इमाम जस्ता में डाल के सारा एक साथ कूट लूंगी हल्का सा। इसको मैं सब इकट्ठा कूट लूंगी। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इस टाइप के दरदराज कर लिया है। तो फ्रेंड, इसमें हम मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड, इस समय ठंड का सीजन है, गोभी का पकौड़े खाना तो बनता है, इसलिए गोभी बनाना पकौड़े बहुत जरूरी है। चटपट खाने का मन करता है, गोभी सस्ती भी हो रखी है, इसलिए फ्रेंड हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और इसको हम मैश कर लेंगे इसी तरह। अगर ये आपका बैटर गीला लगता है तो इसमें आप मैदा, सॉरी बेसन मिक्स कर सकते हैं इसमें। और तो देखिए फ्रेंड, मैंने बिल्कुल डो लगा के तैयार कर लिया है, बिल्कुल बढ़िया डो लग गया है। हल्का सा तेल का सहारा लेंगे, अब इनका आलू की तरह डो तोड़ेंगे बिल्कुल छोटा छोटा इस टाइप में। इसी तरह हम सारा टिक्की बना लेंगे फ्रेंड, इसी तरह हम बिल्कुल गोल गोल बना लेंगे। आप किसी भी आकार में बना सकते हैं इसको। देखिए फ्रेंड, हल्का सा तेल का सहारा लेंगे, इसी तरह हम सारे डो बना लेंगे टिक्की से। बहुत ही परफेक्ट लगता है फ्रेंड ये। तो हम फ्रेंड चलते हैं गैस की तरफ, जब तक हमारा तेल गर्म होगा। कढ़ाई रख दिया है मैंने गैस पे, तेल गर्म हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ये कढ़ाई रख दिया है, हमारा तेल बिल्कुल देखते हैं गर्म हो रहा है कि नहीं। थोड़ा सा इसमें डाल के देखती हूँ गरम हो रहा है कि नहीं। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब मैंने इस तरह सारी टिक्कियां बना के तैयार किया हुआ है, अब मैं इसमें डालती हूँ। जितना हमारा टिक्की इसमें आएगा हम उसी तरह से इसमें डालेंगे। टिक्की जब तक हमारे नीचे से अच्छी तरह लाल नहीं हो जाता है, जब तक हम इसको पलटेंगे नहीं।
फ्रेंड ये देख सकते हैं आप, जब तक ब्राउन कलर नहीं आ जाता नीचे से हम इसको ऐसे ही पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड हमारा एक तरफ ब्राउन कलर हो गया है, बिल्कुल बढ़िया। अब हम इसको आराम आराम से पलट देंगे। ये फ्रेंड गोभी के पकौड़े खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, आप भी ट्राई कीजिए घर पे। तो देखिए फ्रेंड अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड ये हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो गया है, बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बनती है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ गए बहुत ही जल्दी बनती है इसको। अब गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ। ये हमारा रेसिपी बन के तैयार हो गया। तो देखिए फ्रेंड मेरी रेसिपी बन के बिल्कुल बढ़िया तैयार हो गई है, और आप बनाइए फ्रेंड घर पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया क्रंची बनी है, बिल्कुल कुरकुरे बनी है ये। और अब मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको, वाह बहुत अच्छा बना है। तो फ्रेंड आप भी बनाइए घर पे, कभी कोई भी मेहमान आए बनाइए, आप भी एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को आगे बढ़ाइए। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आएगी आपको। अब हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे।